दोस्तों यदि आप भी जियो का सिम यूज करते हो तो आपको पता ही होगा कि 5G आ चुका है और काफी लोग 5G को एक्टिवेट करके अपने फोन के अंदर 5G का इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिए हैं। और अभी तक आपने अपने फोन के अंदर 5G एक्टिवेट नहीं किया हुआ है तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने फोन के अंदर 5G को एक्टिवेट करोगे। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे भी फोन के अंदर 4G ही शो कर रहा है क्योंकि हमने 5G को एक्टिवेट नहीं किया हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको लाइव दिखाऊंगा 5G को एक्टिवेट करके। अभी आप यहां पर देख रहे हो 4G दिखा रहा है तो यहां पर आपको 5G दिखाएगा। यहां पर हम 5G एक्टिवेट करने वाले और हमारे पास है 4G फोन। तो यदि आप भी जियो का सिम यूज करते हो और 5G को एक्टिवेट करना चाहते हो तो इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत करना, एंड तक कंटिन्यू देखते रहना। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप सभी लोगों को अपने स्मार्टफोन के अंदर माय जियो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। यदि माय जियो एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो तो सबसे पहले माय जियो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करोगे यहाँ पर आप सभी लोग देखोगे आपका यहाँ पर दिखाएगा मोबाइल प्रीपेड एंड मोबाइल नंबर भी शो कर देगा, एंड यहाँ पर जो आपका डाटा है वो भी आपको दिखाएगा, रिचार्ज कितने का वो भी। उसके बाजू में आपको एक एरो दिखाई देगा तो आपको एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो यहां पर आप देखोगे तो इस प्रकार से आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। अब यहां पर आप लोगों को नीचे आओगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, यहां पर देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा जियो ट्रू 5G, यहां पर आप देख सकते हो। एंड यहां पर आप 5G एक्टिवेट कर सकते हैं और 5G लॉन्च भी हो चुका है। एंड काफी विलेज में लॉन्च नहीं हुआ या शहरों में लॉन्च नहीं हुआ है तो जिस शहर में लॉन्च हुआ है वो लोग तो यूज करना स्टार्ट कर दिए हैं। एंड यहां पर सबसे पहले मिलता है यहां पर आप देखोगे तो चेक 5G, इस वाले ऑप्शन पे आप यदि क्लिक करते हैं, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो यहां पर दिखा रहा है कांग्रेचुलेशन अनलिमिटेड 5G डाटा। उसके बाद सबसे पहले आप सभी लोगों को यहाँ पर आप देखोगे तो आपको स्टेट देखने को मिलता है, लेट चेक ट्रू 5G कवरेज। तो यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा स्टेट है, तो आप सभी लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मिल जाता है जैसे कि एग्जांपल के लिए यदि बिहार करेंगे, बिहार आपको क्लिक करना है। बिहार करने के बाद अब यहाँ पर बहुत सारा स्टेट आपको वो मिलता है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका एरिया, अगर यहाँ से शो कर रहा है आपका एरिया इस लिस्ट में, यदि आपका एरिया शो कर रहा है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं यहाँ पर जिस एरिया में 5G एक्टिवेट हो चुका है यानी कि आ चुका है 5G, वो सारा एरिया यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब जैसे कि हमने यहां पर महाराष्ट्र सेलेक्ट किया तो महाराष्ट्र के जितने भी एरिया है, जितने भी यहां पर कंट्रीज है, मतलब यहां पर जो एरिया होते हैं छोटे छोटे, वहां पर जितने भी हैं यहां पर देख सकते हो पूरा लिस्ट निकल के आ जाएगा कि यहां पर जो 5G कवरेज है वो आ चुका है, इन लोग 5G का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को भी लिस्ट देखने को मिल जाएगा। एंड इसमें से यदि आपका नाम है इन लिस्ट में, आपके एरिया का नाम है, तो आप भी अपने स्मार्टफोन के अंदर आसान तरीके से 5G को एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन योर डिवाइस जियो ट्रू 5G रेडी, यानी कि आपकी डिवाइस यहाँ पर 5G के लिए रेडी है। एंड यहाँ पर आपको मिलता है चेक कवरेज, तो मैंने आपको बता दिया है। एंड यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो फ़ोन है वो कम्फर्टेबल है या नहीं है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कवरेज भी एंड चेक, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से आपको सबसे पहले यहाँ पर कुछ ऑप्शन आते हैं, जैसे कि आप देखो तो वेलकम टू जियो ऑफर, एंड यहां पर दूसरा आता है हैंडसेट 5G कंपेबिलिटी, एंड तीसरा आता है हैंडसेट सॉफ्टवेयर वर्जन, एंड यहां पर आता है हैंडसेट 5G सेटिंग। ये जो चार आपको ऑप्शन मिल रही है चारों को एक्टिवेट करना होगा कुछ इस प्रकार से। यहां पर जैसे कि पहले बोला जा रहा है जियो वेलकम ऑफर, तो जियो वेलकम ऑफर को एक्टिवेट करना होगा। उसके बाद यहां पर जो कुछ बोला जा रहा है यहां पर करना होगा। उसके बाद आप अपने डिवाइस के अंदर 5G को एक्टिवेट कर सकते हैं और 5G का मजा ले सकते हैं। आपका डिवाइस कंफर्टेबल रहना चाहिए, तो आपका डिवाइस यदि कंफर्टेबल है तो आप यूज कर सकते हैं वहां से चेक करके, तो काफी अच्छा है। आप भी अपने डिवाइस के अंदर 5G को, जियो 5G को एक्टिवेट करके यूज कर सकते हैं। अगर आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन है या आप जियो 5G एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा।